हमारे मित्रों संजीव कुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर। मित्रों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वैद्युत बल्ब किस प्रकार जलता है, ट्यूबलाइट किस प्रकार जलता है। तो वैद्युत बल्ब में तो समझ में आता है कि वैद्युत बल्ब में टंगस्टन का तंतु होता है जिसके कारण वो जलता है, लेकिन ट्यूबलाइट में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्यूबलाइट में ना तो कोई वायर होता है ना कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसके कारण वो जलता है। लेकिन इसका मेन रीज़न ये है कि जो ट्यूबलाइट जलता है उसमें प्लाज्मा की अवस्था क्रिएट की जाती है। प्लाज्मा की अवस्था का मतलब ये होता है कि मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था और तीसरा होता है गैस अवस्था और चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था और पाँचवा होता है ठोस आइंस्टीन। तो प्लाज्मा अवस्था इसमें क्रिएट की जाती है। अर्थात क्या करते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब में क्या करते हैं, निर्वात भर देते हैं, अर्थात जहाँ क्या बोलते हैं, हवा का संपर्क ना हो। अर्थात इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व में कौन कौन आते हैं, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ज़ेनान हो गया और रेडान हो गया। ये सब वर्ग 18 के तत्व हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये किस प्रकार जलता है? तो हम आपको बताएंगे कि जो ट्यूब लाइट होता है उसमें 2 चीज़ प्रयोग किया जाता है, एक होता है आर्गन, दूसरा होता है मरकरी। और जो विद्युत बल्ब होता है उसमें आर्गन और नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है। तो जो ट्यूब लाइट होता है उसमें क्या बोलते हैं, एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं और उसमें आर्गन गैस भर देते हैं। आर्गन गैस भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें करंट का फ्लो करते हैं। करंट के फ्लो का मतलब ये हुआ कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है और स्विच को बंद कर देते हैं तो बल्ब जलना बंद हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब करंट का फ्लो करते हैं तो करंट के फ्लो का मेन मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का मतलब ये होता है कि जब हम करंट का फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लगता है। तो क्या बोलते हैं, जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसमें उपस्थित आयन और इलेक्ट्रॉन के आयन आपस में टकराते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि धन आयन और ऋण आयन जब आपस में टकराते हैं तो एक स्पार्क उत्पन्न होती है। स्पार्क का मतलब होता है चमक उत्पन्न होती है जिसके कारण ट्यूबलाइट जलने लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार।